दमोह विधानसभा क्षेत्र से 7 बार विधायक रहे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया 75 वर्ष के हो गए हैं। ऐसे में उन्होंने अपना जन्मदिन नवंबर माह में मनाया, लेकिन उनके शुभ चिंतकों के द्वारा उनके 75 वर्ष पूर्ण होने पर 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव के रूप में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के तहत एकलव्य विश्वविद्यालय में तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। वहीं इस कार्यक्रम के आयोजन के संदर्भ में पूर्ण जानकारी देने के लिए इस आयोजन समिति के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न तरह की जानकारियों से सभी पत्रकारों को अवगत कराया गया। साथ ही यह बताया गया कि इस आयोजन में कौन कौन उपस्थित हो रहा है, किस तरह से यह कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम का वेन्यू एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह सागर मार्ग होगा। ऐसे में इस प्रेस वार्ता के माध्यम से इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही इस आयोजन समिति के रमन खत्री ने भी विस्तार से हमें जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। परसों आप सबका भी सहयोग इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में आपको सहभागिता रहेगी, ऐसी आपसे आशा और उम्मीद हैं। तो अगर कोई चर्चा है तो उसको शुरू की जाए और बीच में सारी बात आयोजन को लेकर होगी तो उसको हम चर्चा भी करेंगे। जो सहमति और स्वीकृति मिली है प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सुमित्रा ताई जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, आदरणीय हमारे सांसद और भारत सरकार में मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, राजेंद्र सिंह जी पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, अरुण यादव जी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और इसके अलावा भी कई लोग हैं जो सहमति तो उनकी मिली है, हो सकता है वो लोग भी आ जाएं। तो इस तरीके से कि सारे लोग पहुंच रहे हैं, पूर्व विधायक हैं वर्तमान के अरुण यादव जी, ऐसे बहुत बड़ी संख्या जो उनके साथ काम करने वाले लोगों की है वो सब लोग हैं। मंत्री सारे मध्य प्रदेश शासन के सारे मंत्रीगण भी जो उनके समय में जिन्होंने काम किया, वर्तमान में अभी भी मंत्री हैं, भार्गव जी हैं, भूपेन्द्र भैया हैं, आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष बी डी शर्मा जी भी की सहमति मिली है, ऐसे सब लोग लगभग आने की संभावना है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय सुमित्रा ताई जी, नरेंद्र सिंह जी भाई साहब, 12:30 से हम लोग मंचीय कार्यक्रम शुरू करेंगे, 12:30 से, और लगभग 1 से 1.5 घंटे का मंचीय कार्यक्रम होगा। और ये हम सबके लिए गौरव और गर्व की बात यह है कि जैसे आदरणीय सुमित्रा ताई जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के देश के, उनको जैसे ही पता चला इस बात को लेकर कि आदरणीय जयंत भैया का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन करने का ऐसा उन दमों में लोगों ने तय किया है, तो उनने स्वयं जाके सहमति दी कि अगर आप लोग कार्यक्रम करेंगे तो उसमें हम भी आएंगे। तो वो भी अपने कुछ संस्मरण उनके साथ हैं, जो ऐसे सारे लोग जैसे नरेंद्र सिंह जी भाई साहब हैं, आदरणीय शिवराज जी, आदरणीय बीडी भाई साहब हैं, प्रहलाद जी भाई साहब, सारे लोग उनके साथ जो उनके बिताए हुए समय है अवसर उनके संस्मरण को शेयर करने का भी दिन होगा। तो एक मंचीय कार्यक्रम 1 से 1.5 घंटे का भी है, तैयार हो रही है और अपने एक पुस्तक का विमोचन भी है, डॉक्यूमेंट भी है, सारी चीज़ें हैं जो उनके पूरे शुरू से उनके बचपन से लेके और एक जो उनका राजनीतिक सफर रहा है वहाँ तक की उनकी यात्रा को लेके इसको तैयार किया गया है, वो भी उस दिन सब लोगों को शेयर किया जाएगा। अब अलग विषय है, लेकिन ये एक कार्यक्रम है जन्मोत्सव को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का, अब इससे तो पूरा ध्यान रखते हैं। ये एक कार्यक्रम है, कांग्रेस के भी बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, राजनीतिक दल मंत्री परिवार हो चुका है, बार बार कहते हैं हमारा परिवार है, तो परिवार का कुछ किसी को छोड़ भी नहीं सकते, सबको बुला रहे हैं, राजनीति बहुत दूर है, वापसी की कुछ भी अलग है, किसको जाना किसी को नहीं जाना, किसको आना किसको नहीं आना, आयोजन की रूपरेखा तो ऐसा अपन मान के चले कि जयंत कुमार मलैया
का पूरा राजनीतिक जीवन, जयंत मलैया से जयंत भैया कैसे बने, उनके तमाम वो मित्र लोग जो स्कूल में कॉलेज में उनके सहपाठी थे, उनके राजनीतिक जीवन में जो लोग विधायक रहे जिन्होंने राजनीतिक रूप से काम किया, और दमोह के वो तमाम कार्यकर्ता जिन्होंने उनके साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्मठता के साथ काम किया। और बहुत सारे लोग आज ऐसे भी हैं जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, उन सबको भी विनम्र श्रद्धांजलि इस कार्यक्रम में हम लोग याद करेंगे और विनम्र श्रद्धांजलि भी देंगे। एक पूरा सफ़र उनका जो है, एक प्रदर्शनी की भी व्यवस्था की है कि अलग अलग चित्र सब लोगों के लगे हैं, उसकी भी व्यवस्था की है। उनके साथ जो लोग विधायक रहे उन सबने भी सहमति दी है, वो सब लोग भी आएंगे जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, मंत्री हैं, ऐसे बहुत सारे प्रदेश से भी लोग आने वाले हैं। एक जय यात्रा नामक पत्रिका भी निकलेगी परसों 11 तारीख को, 11 दिसंबर को आदरणीय जयंत भैया का 75वां जन्म दिवस अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का एक आयोजन समिति, जिसमें पाटन विधायक आदरणीय अजय बिश्नोई जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष राजन सिंह जी, सिद्धार्थ भाई, निशांत भाई और सब हम सब लोगों ने तय किया कि एक कार्यक्रम होना चाहिए। उस समय चूंकि सबकी व्यस्तताएं ज़्यादा थी, 15 नवंबर को चूंकि उनका जन्मदिवस होता है, तो इस कारण से थोड़ा सा एक महीने आगे बढ़ा के अब 11 दिसंबर को एक अमृत महोत्सव के रूप में आयोजन कर रहे हैं। और सब आयोजन समिति की सोच थी कि जैसे आदरणीय जयंत मलैया जी, आदरणीय जयंत भैया कैसे हैं, एक जन नेता, 7 बार विधायक, मंत्री, 18 सांसद, तो एक ये पड़ाव होता है जीवन में किसी व्यक्ति का कि जब आप 75 साल ईश्वर की कृपा से आपको प्राप्त होते हैं, तो एक उत्सव के रूप में मनाने का ये प्रयास रहता है। और सब उसमें जो उनकी यात्रा में, उनकी राजनीतिक यात्रा में शामिल रहे हैं, उन सबको याद किया जाए, उनके साथ जैसे जन्मदिवस को, महोत्सव को एक सेलिब्रेट किया जाए लोगों के बीच में जाके। और बहुत सारे लोग होते हैं कि जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो प्रदेश के, अपने जम्मू जिले के, विधानसभा के बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं जो अपने संस्मरण शेयर करना चाहते हैं लोगों के बीच में कि किस तरीके से 80 में उनकी शुरुआत हुई और किस तरीके से 2018 तक उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन यात्रा की है। ऐसे ही और जो हमारे बीच में कार्यकर्ता जन आज हमारे साथ हैं, जो नहीं है रहे हैं हमारे साथ, उनको सबको याद करने का भी ये अवसर है। मुख्यमंत्री का आदरणीय मुख्यमंत्री जी की लगभग सहमति आ चुकी है, और आदरणीय सुमित्रा ताई जी हैं लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर हैं, आदरणीय बी डी भाई साहब हैं प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय प्रहलाद जी पटेल हैं, और ऐसे बहुत सारे मंत्रीगण जो आदरणीय जयंत भैया के साथ काम किया है अपने पड़ोस में, भार्गव जी आदरणीय, भूपेन जी हैं, नवोत्तम मिश्रा जी हैं, लगभग ऐसे बहुत सारे मंत्री, विधायक, वर्तमान के पूर्व विधायक, सारे लोग, मतलब कोशिश है कि उन लोगों ने भी स्वयं की हम आ रहे हैं जो भी आ जाए, लेकिन लगभग जो मैंने नाम लिया है उनकी सहमति तो मिल चुकी है।